अच्छा तो गाइज मैं अभी सो के उठी हूँ और मम्मा पापा घर पे नहीं है और 2 बज रहे हैं और मैं 2 बजे सो के उठी हूँ। और जिस दिन मम्मा पापा घर नहीं ना होते मैं तब ऐसे सोती हूँ कि जैसे बस सोने का ही काम है मुझे ज़िंदगी में, और तो कुछ करना ही नहीं है मैंने, क्योंकि मुझे कोई उठाता ही नहीं तो मैं भी सोई रहती हूँ। मैं कहती अच्छा ठीक है सोई रहती हूँ। कितनी और समय यार। तो अब मैं उठी थी तो मैंने कहा मैं नाश्ता बनाती हूँ, मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया है तो मैं बस अब नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ते में क्या है, नाश्ते में मेरी फेवरेट चीज़ है चाय बाकर हानी, मतलब आई लव चाय बाकर हानी। तो मैं ये खाने लगी हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। गाइज मुझे एकदम से याद है कि मैंने तो व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया, तो चलें अब कर लेते हैं हम स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, सब ठीक है ना? और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने बाबा के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी बाइक पर बैठे बैठे ही व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। 6 hours later. अच्छा तो गाइस हमारे काम ख़त्म होते होते ना ये शाम हो गई है, और असल में हम लोगों ने जो काम करना था वो ये था कि मैंने अपनी बहन की तरफ कुछ सामान देना था, कुछ अपनी फूफो की तरफ देना था, और साथ में हम लोगों ने ना हमारे घर मिला दिया तो कुछ लोगों को जो वहीं मेरी फूफो के या मेरी बहन के घर के आसपास रहते हैं हमने उनको इन्वाइट देना था मिलाद के लिए। तो मेरी मम्मा बीमार है, मेरी मम्मा नहीं जा सकी तो उनकी जगह मैं अपने पापा के साथ गई थी। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे अब हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि मेरे पापा ने बाइक का काम कराना था, वो हमेशा यहाँ आना चाहते हैं लेकिन हमेशा उनको आउट ऑफ द रूट पड़ता है, तो अभी रास्ते में पड़ रहा था। उन्होंने कहा चलो तुम 10-15 मिनट बैठो मैं अपना काम करा लेता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर उनका वेट कर रही हूँ। और अब मुझे पता है नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करके कहेंगे पाकिस्तान में इतनी पुरानी बाइक्स होती हैं, इतनी पुरानी बाइक्स होती हैं, तो यार यहाँ पर यही होती हैं और ऐसी ही हैं, मतलब सबके पास यही होती हैं। और ज़्यादा महंगी वाली भी होती हैं लेकिन वो फिर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होती, वो बहुत महंगी होती हैं। तो जो नॉर्मल मोस्ट यूज में होती है वो यही वाली बाइक होती है सबके पास। गाइस रात का टाइम हो रहा है, 10:15 हो रहे हैं और मैं जब से कल से आई हूँ ना बाबा के साथ बाइक पे गई थी, इतनी सर्दी थी मेरी कल से तबीयत खराब है, मुझे ठंड लग गई फिर से और मेरा गला फिर से ख़राब, सर में दर्द, फ्लू और बुरा हाल हुआ है। तो लेकिन मिलाद में चूँकि टाइम बहुत कम रह गया तो मैंने कहा थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें, स्किन बहुत गंदी हो गई, थोड़ी सी स्किन की क्लीनिंग करें, पैम्पर करें खुद को। तो मैं करने लगी हूँ स्किन पॉलिश, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। अच्छा तो गाइज़ ये वाली स्किन पॉलिश है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, ये है इंडियन, और मतलब पहले जब इम्पोर्ट बंद नहीं थी तो तभी आती थी, अब फ़िलहाल बैन हुआ है तो ये नहीं आती, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मतलब जैसे आपको सैलून पे स्किन पॉलिश करवा के रिज़ल्ट आता है ना वैसे ही आता है इसका भी। तो इसके अंदर 3 चीज़ होती हैं, स्किन पॉलिश, डेवलपर और सिरम। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। अच्छा तो गाइस 1 चम्मच का हिसाब होता है, 1 चम्मच मैं इसमें स्किन पॉलिश डालती हूँ, और अगर आप 1 चम्मच ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के लिए बना रहे हैं, वैसे मैं और मम्मा यूज़ करते हैं तो हमेशा ज़्यादा बनाती हूँ, तो अगर आपने अपने लिए बनानी है तो आपको 1 चम्मच क्रीम चाहिए और 1/2 पाउडर जो है ना ब्राइटनिंग पाउडर आपने इसमें डालना, 1/2 चम्मच तो जी 1/2 स्पून, आधी इंग्लिश आधी उर्दू, देखिए ज़रा मेरा हाल, ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। तो मैंने कहा इसको सारी ही सारी निकाल लेते हैं ताकि फिर मैं बोतल फेंक सकूं। अब मैंने दोबारा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पता किया है, दोबारा नहीं आ रही, तो इसकी रिप्लेसमेंट मैं कोल्ड लेके आई हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो नेक्स्ट टाइम दिखाऊँगी, उसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरी भाभी ने यूज़ की हुई है। सर में मेरे इतने दर्द है, इतनी दर्द है ना, लेकिन काम तो करना है फिर, तो मैंने कहा हिम्मत करती हूँ उठती हूँ, तो मैंने कहा ये काम करूँ ताकि स्किन जो मेरी इतनी डेड लग रही है ना बहुत गंदी हो रही है, जैसे मैं मंथ में एक दफ़ा करती हूँ तो हो चुका है ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ यूज़ किए हुए, तो अभी आप लोगों ने देखना मेरा स्किन जो है ना कैसी साफ़ सुथरी हो जाएगी थोड़ी देर बाद ही। सिरम है तो इसके हम डालेंगे, मतलब 1 स्पून में 2 ड्रॉप्स डालने होते हैं, तो मैं डाल रही हूँ 4 ड्रॉप्स क्योंकि मैंने अपने लिए और मम्मा के लिए बनाई है। अच्छा तो गाइस इसमें 2 स्पून मैंने डाली थी स्किन पॉलिश और 1 स्पून कह लें मैंने इसमें डाला है पाउडर, तो अब इसको मिक्स करते हैं फिर फेस पे अप्लाई करते हैं। अच्छा तो गाइस अगर आप कभी भी स्किन पॉलिश या ब्लीच स्किन पे यूज़ करें और अगर आपने ऐसी कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई है तो उसको उतार दें, क्योंकि ब्लीच या जो स्किन पॉलिश होती है ना वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सारा कलर फेंट कर देती है, तो मैंने इसको उतार दिया। मैंने ये नेकलेस भी पहना हुआ था, मैंने इसको भी उतार दिया ताकि ख़राब ना हो। अच्छा तो गाइस मैंने इसको कर लिया अप्लाई, अब 20 to 15 मिनट्स बाद हम इसको वॉश करेंगे और आपको बकायदा वीडियो में भी नज़र आएगा मेरे मुंह पे रिज़ल्ट आया कि नहीं आया। तो अब इसको देखते हैं, वेट करते हैं 15-20 मिनट फिर वॉश करते हैं। 20 minutes later. अच्छा तो गाइस मैंने स्किन पॉलिश जो है वो रिमूव कर लिया, तो आप लोग बताएं आप लोगों को कोई फ़र्क नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, साफ लग रहा है ना एकदम,
क्लीन हो गया फेस। स्किन पॉलिश के बाद मैं लगाने लगी हूँ सेड कनी का ग्रीन क्ले मास्क, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने कहा कि ये लगा लेते हैं। इससे ना आपकी एक्ने को बहुत फर्क पड़ता है और स्किन में ग्लो आता है, तो उसको अप्लाई करते हैं। अच्छा तो गाइस ये मास्क कर लिया मैंने अप्लाई, तो इसको आपने क्या करना है, नहीं इसकी बहुत 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 थिन लेयर लगानी है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो आपका मास्क ड्राई नहीं होगा, और वैसे भी थिन ही लेयर लगानी है आप लोगों ने गर्मियों में भी यूज़ करेंगे तो ये मास्क बहुत अच्छा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी अच्छी साफ साफ हो जाए तो आप इस मास्क को ले सकते हैं सेड कनी से। आई गेस ये इसकी प्राइस 560 to 570 इतनी है। फिर देखेंगे इतना बड़ा जार होता है, इसको आप काफ़ी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, एक दफ़ा में ख़त्म नहीं होता, तो आप लोग इसको मस्त 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 ट्राई करें। अच्छा तो गाइज़ अब सच्ची सच्ची बताओ, तुम लोगों को लग रहा है ना कि मेरा बूथा साफ़ हो, ऐसा साथ ही साथ मेरा ये पिंपल था ये, इसमें से मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। मम्मा कहती है कि जब कोई पिंपल में से ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो इसका मतलब वो रिकवर हो रहा है। तो ना पिछले दिनों मैंने गर्म चीज़ें बहुत खाई हैं, मूँगफली वगैरह वगैरह वगैरह, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये देखें एक्ने हो रही थी, तो मैंने कहा अब स्किन साफ़ करते हैं, वरना मिलाद पे ऐसे लगेगा कोई फ़कीरनी आई हुई है, घर का मेहमान, घर का फ़र्द नहीं हूँ मैं, कोई फ़कीरनी है, गाँव वाली हूँ, तो मैंने कहा जरा अपना फ़ेस साफ़ करें। आपके मुस्तकबिल से भी रोशन जो है ना मेरा फ़ेस हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आया है तो ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कुछ भी आप लोगों ने पूछना आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और इस ब्लॉग को अब हम करते हैं यहीं पर एंड, मैंने कर लिया सारा कुछ क्लीन और सारा सामान भी समेट लिया, तो अब हम सोएंगे, रात के 12 बज रहे हैं, करते 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 12 ही बज गए हैं, तो जल्दी से चलो व्लॉग को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये क्या है, अपन जज्बात में ही बह गया, व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं करना, व्लॉग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।